चलो टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, बेसिक अबाउट टैक्सेशन कि कैसे होता है टैक्सेशन, कंट्री में टैक्सेशन होना क्यों चाहिए, ठीक है। सो बहुत सारी आइडियाज़ होती है हमारे माइंड में टैक्सेशन को लेके, तुम्हारे माइंड में भी होंगी कुछ रफ आइडियाज़, तुम्हारे पेरेंट्स ने दी होंगी अरे ऐसा टैक्स होता है वैसा होता है, ठीक है। शायद बहुत सारे पेरेंट्स आपके भरते भी होंगे, टैक्स पे भी किया होगा, ठीक है। कुछ लोग नहीं भी भरते होंगे, वो बता देंगे हमने टैक्स की चोरी कर ली, ठीक है, हमारा सी ए जो है वो ऐसा करके देता है। तो ये सब सुनते हैं हम लोग नॉर्मली कंट्री में। तो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू कि हमारे कंट्री में टैक्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। टैक्स आप लोग भरना चाहते हो या नहीं भरना चाहते हो? भरना चाहते हैं। थोड़ा हल्के से जा रहा है, भरना तो चाहते इनकम होगा तो देख लेंगे आ रहा है, लेकिन भरना चाहते, भरना पड़ेगा, ठीक है। क्यों भरना पड़ेगा? टैक्सेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ? तो मेरा जो इनकम टैक्स एक्ट है आपने देखा 1961 में आया है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि 1961 से कंट्री टैक्स ले रहा है। देयर वाज़ द टैक्सेशन सिस्टम इवन इन एंशियंट हिस्ट्री, इंडिया का जो हिस्ट्री है, ठीक है, बहुत पहला जो हिस्ट्री है ना, सालों साल पुराना, हजारों साल पुराना जो हिस्ट्री है, उसमें भी टैक्स स्ट्रक्चर होता था, ठीक है। पहले का जो टैक्स स्ट्रक्चर था, जब मनी भी नहीं थी, मनी तभी भी टैक्स होता किया था, पता है, पढ़ा होगा ना हिस्ट्री में कहीं पे, तो कि पहले करेंसी नहीं हुआ करता था, लीगल टेंडर नहीं हुआ करता था, बार्टर सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम में भी टैक्स हुआ करता था, ठीक है। लेकिन तभी टैक्स लेने वाली जो अथॉरिटी थी, अथॉरिटी वॉज द किंग और रूलर ऑफ दैट पर्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शन। एक एरिया होता था, राजा का अपना एक जगह होती, किंगडम होता है ना हम बोलते हैं ना, उसका एक अपना साम्राज्य होता है, उस साम्राज्य के अंदर जो उसका रूल्स एंड रेगुलेशन होता है उसके हिसाब से वो टैक्स लेता है। तो कुछ अच्छे राजा भी थे, कुछ खराब राजा भी थे। जो खराब राजा थे वो ज्यादा टैक्स लेते थे, जो अच्छे राजा थे वो बहुत कम टैक्स लेते थे, ठीक है। कोई कोई राजा ऐसे भी थे जो 100% ले लेते थे एज ए टैक्स। तो आप अगर वीट प्रोड्यूसर हो तो 100% आपका वीट मेरा, ठीक है, और उस वीट के बदले में आपको थोड़ा वीट, थोड़ा राइस, थोड़ा पल्सेस, ऐसे थोड़ा थोड़े कपड़े, ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा मिलेगा, मतलब मैं सबसे सब ले लूंगा एंड आई विल डिस्ट्रीब्यूट गुड्स अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, ठीक है। तो मेरे जो प्रधानमंत्री वगैरह जो रहेंगे, ठीक है, उस टाइम के जो उनके मैनेजमेंट सिस्टम भी हुआ करता था, आपने देखा होगा वो राज्य मंत्री ऐसे बैठते ना, वो राजा भी बैठा रहता था एज ए बीओडी और सारे लोग बैठे रहते थे, तो बातें करते थे, तो वो सब चलता था, सिस्टम बना के रखा था उन्होंने। लेकिन वो सिस्टम जो था, दैट सिस्टम वॉज अनऑर्गेनाइज अनसिविलाइज सोसाइटी, अनसिविलाइज स्ट्रक्चर था, ठीक है, अनऑर्गेनाइज वैसे चलता था। धीरे 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 विद ग्रोथ इन अ सिविलाइजेशन, जैसे जैसे लोगों को पता चलने लगा, अच्छा सिस्टम भी अच्छा बनाना चालू किया, तो उन्होंने टैक्सेशन सिस्टम को थोड़ा और उसको सिंप्लीफाई किया और थोड़ा ऑर्गेनाइज करते गए। पहले तो टैक्स राजा क्यों लेता था टैक्स? व्हाई ही वॉज चार्जिंग सच अमाउंट ऑफ टैक्सेस, ठीक है, क्यों ऐसा? राजा को टैक्स लेने की क्या जरूरत थी? उसके बदले में राजा की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टुवर्ड्स प्रजा, जो उनके सिटीजन थे, उसके टुवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? क्या राजा क्या करता था तुम्हारे लिए? कुछ नहीं, लेकिन कुछ तो करता होगा ना, तभी तो राजा था। राजा के पास मिलिट्री हुआ करती थी, और किसी के पास मिलिट्री नहीं होती, खाली राजा के पास ही मिलिट्री हुआ करती थी। अब तुम लोग गेम खेलते हो ना, क्लैश ऑफ क्लैंस वगैरह ऐसा कुछ, तो सीओसी बोलते हो, ठीक है, क्या करते हैं इसमें? सीओसी देखा अपने गेम कैसे चलता है वो? हाँ, एक अपना एक खुद का एक विलेज बनाते हो, और फिर बाजू वाले विलेज में आप सर्च फॉर अपॉर्चुनिटी करते हो, एंड देन इफ यू गेट अपॉर्चुनिटी यू विल अटैक ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया। अटैक करने से क्या मिलता है आपको? लूट मिलती है, गोल्ड मिलता है ना, उनके सैनिकों को मारते हो आप लोग, मजा आता है। क्यों करते हो? क्या मिलता है इसमें से? कुछ नहीं, फन सर, मजा आता है बस। तो पहले के राजाओं को भी कुछ टाइम पास नहीं हुआ करता था, तो बाजू वाला राज्य का मतलब है राजा, मतलब इसके पास बहुत कुछ है, आज अटैक कर लेते हैं, अटैक करेंगे तो जो उसके यहाँ के जो लोग है वो मारे जाएंगे। अब उस राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि जब अटैक होगा तो बचाना है, और अगर कोई अटैक हमारे पे नहीं कर रहा तो हम किसी के ऊपर कर देते हैं। तो यही सिस्टम चलता था, ठीक है, लॉजिकल लोग थे फिर भी यही करते थे, ठीक है, कुछ नहीं मतलब। तो हमारा एक सबसे बड़ा राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता था पब्लिक सेफ्टी, जो बोलते हैं ना आज हम डिफेंस, जिसे बोलते हैं डिफेंस, वो डिफेंस प्रोवाइड करना एंड लॉ एंड ऑर्डर विद इन प्रोवाइड करना। डिफेंस एक्सटर्नल बाउंड्रीज पे होता है, तो जो इंडिया की बाउंड्री हमारी, वहां पे हमारे डिफेंस चलती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चलती है, विद इन इंडिया होम मिनिस्ट्री चलती है ना। पुलिस जो आती है वो डिफेंस के अंदर नहीं आती, पुलिस तो होम मिनिस्टर्स के अंदर आती है, ठीक है, डिफेंस अलग से चलता है। तो राजा का भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि एक्सटर्नल अटैक से सेफ्टी प्रोवाइड करना और इंटरनल सिटीज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। तो कोई अगर क्राइम करता है तो हु विल पनिश? राजा।
वो लोग नहीं लेके जाते थे राजा के यहाँ पे कि देखो ना राजा इसने ऐसा किया फिर इसको जो भी सजा डायरेक्टली फांसी, तो अपील वगैरह ऐसा कोई सिस्टम नहीं, डायरेक्टली बोला राजा ने जो बोला फांसी तो फांसी, कोड़े मारो तो कोड़े मारो, हाथ काटो तो हाथ काट दो, कोई सिस्टम नहीं, जो राजा बोलेगा वो चलेगा, दैट विल बी फाइनल वर्ड। राजा को हमने रिप्लेस किया है कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन से, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हमने गवर्नमेंट फॉर्म की है। तो आज हमारा राजा कौन है? गवर्नमेंट। अब उस कल्चर में और इस कल्चर में क्या फर्क है? उस कल्चर में और इस कल्चर में इतना ही फर्क है, वहां पे राजा राजा होता था, बाय बर्थ राजा बन जाता था, और यहां पे गवर्नमेंट कौन होगा वो हम डिसाइड करते हैं, हम इलेक्ट करते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट होती है। इतना समझ में आ रहा है? ओके। जैसे जैसे राजा महाराजाओं के पास सैनिक आते गए, बढ़ते गए, उनका मिलिट्री बहुत अच्छा स्ट्रांग हो गया, और कुछ राजा खुद से अटैक नहीं करते थे, तो उनके पास बहुत सारे सैनिक ऐसे रहते थे, सोल्जर ऐसे रहते थे जो आइडियल बैठे पड़े, कुछ काम धंधा नहीं उनके, सैनिक खाते पीते बहुत दमदार है, सोल्जर्स है ना, वॉरियर्स है, तो उनको बिना मतलब का मैं संभाल के रख रहा हूं, इसलिए कि कभी कोई अटैक करे तो काम आवे, ठीक है। अब यार मतलब सैनिक बेटे तो राजा को दिखाने गया, तो राजा ने बोला यार तुम लोग खाली बेटे बेटे पगार लेते हो, एक काम करो तुम रोड बनाना चालू कर दो, तो तुम्हारा भी टाइम चला जाएगा और थोड़ा सिविलाइज हो जाएगा हमारा सोसाइटी। तो रोड बनाना चालू किया, रोड बन गया तो डैम बनाना चालू कर दिया, डैम बन गए तो पब्लिक स्कूल बनाना चालू कर दिया, पब्लिक स्कूल बन गए तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का देखना चालू हो गए, इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो और कुछ चीजें आ गई, पब्लिक हेल्थ आ गया। धीरे 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 राजा अपने एक्टिविटीज को डिफेंस से लेके सिविलाइजेशन में शिफ्ट करते गए। जितनी ज्यादा राजा सर्विस देगा उतना ज्यादा टैक्स लेगा, इतना तो समझ लो ना। तो वैसे अपने गवर्नमेंट का भी चलता है, जितनी ज्यादा आप गवर्नमेंट सर्विस डिमांड करोगे उतनी ज्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आपके रोड अच्छे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? हु विल कंस्ट्रक्ट? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए पैसा कहां से आएगा? टैक्सेस से आएगा। तो हम टैक्स देंगे तो गवर्नमेंट के पैसे आएंगे, तब जाके गवर्नमेंट रोड बनाएगा। हमें एयरपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, अच्छा वाला चाहिए सर। एयरपोर्ट बनाने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं, कौन भरेगा? हम भरेंगे, ठीक है। हमें सर हमारा डिफेंस बहुत स्ट्रांग चाहिए, कल चाइना ने अटैक किया तो, कल पाकिस्तान ने अटैक किया तो, कल हमें कहीं पर अटैक करना होगा तो, राइट। जैसे कि हिस्ट्री में तो हमने किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, हम हमेशा अटैक के हमारे ऊपर अटैक किया लोगों ने, हमने कहीं जाके अटैक नहीं किया, लेकिन कल करना होगा तो हमारे पास डिफेंस उतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इतना समझते हो? हर चीज के पीछे कॉस्ट होता है, और उस कॉस्ट का रिकवरी अलग अलग तरीके से किया जाता है। उसमें का एक रिकवरी मॉडल क्या होता है कंट्री में? टैक्स। क्लियर है? तो टैक्सेस कंट्री में ऑप्शनल होते हैं कि मैंडेटरी होते हैं? मैंडेटरी, फिर भी हम नहीं भरते ना। मैंडेटरी होके हम नहीं भर रहे, ऑप्शनल होता तो भरता कोई? मतलब गवर्नमेंट बोलता है यार जिसको टैक्स भरना है भर दो, यार जिसको नहीं भरना है मत भरो, हम भरते क्या? हम बोल रहे कंपलसरी भरना है, घर के अंदर घुस के आपको अरेस्ट करेंगे अगर आपने टैक्स नहीं भरा, फिर भी लोग नहीं भर रहे। हमारा इंडिया भाई, हम चलता चलाते को देख लेंगे क्या होता है ना, नहीं भरते लोग, रियलिटी के लोग नहीं भर रहे। इसलिए टैक्स स्ट्रक्चर दिन ब दिन क्या होते जा रहा है? चेंज होते जा रहा है, और स्ट्रिक्ट होते जा रहा है, और उसमें वो लोग सिस्टम अप्रोच, सिस्टमैटिक अप्रोच ला रहे हैं, कंप्यूटराइजेशन ला रहे हैं, ठीक है, क्योंकि और ज़्यादा असेसिस को कैप्चर कर पाए। आधार सिस्टम लाया, पता तो चले लोग है कितने कंट्री में कहाँ पे क्या करता है, किसका बैंक अकाउंट है, किसका बैंक अकाउंट नहीं है, किसके बैंकिंग में क्या हो रहा है। तो एवरीथिंग इज गोइंग टू सिंक्रोनाइज नाउ। तो ऐसा सब हो रहा है, इतना तो सुना होगा आपने, मेरा देश बदल रहा है, राइट। तो चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग चोरी कर रहे हैं। लोगों को जीएसटी से दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि अभी चोरी करना डिफिकल्ट हो गया है। पुराने लॉ में चोरी कैसे करते सब पता था, एक्सपर्ट लोग बैठे पड़े थे, 50-50 साल से काम किया था एक्साइज में, कैसे चोरी करते सब पता था। अभी क्या हो रहा है? एक्साइज चला गया, अब चोरी करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो दर्द होगा ना भाई। मतलब कल तक टैक्स नहीं भर रहे थे, यहां से टैक्स भरना चालू हो गया तो नहीं उतरोगे क्या रोड पे? मैं तो दुआ मांगता हूं कि मोदी अंकल रहे और थोड़े साल, अब तो बहुत सारे लोगों की हिटलिस्ट पे आ गए हो, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को छेड़ा है। गैस का सब्सिडी बंद किया, बहुत बड़ा माफिया चलता था गैस के सब्सिडी के पीछे, जो ब्लैक में गैस सिलेंडर बेचते हो, बंद हो गया, बंद नहीं हुआ है, करने वाले तो अभी भी करते हैं, लेकिन तरीके कम हो गए। पहले जो ओपनली होता था अब ओपनली नहीं हो रहा है, ठीक है। पहले जो गवर्नमेंट से जो सब्सिडी आती थी गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, वो लोगों तक नहीं पहुंचती थी। उन्होंने बोला आधार निकालो, पैन निकालो, बैंक अकाउंट लिंक करो, डायरेक्टली क्या होगा आपके अकाउंट में शिफ्ट होगा, बाकी इंटरमीडिएट्स को कुछ मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। धीरे 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 वो एक एक सिस्टम को सिंक्रोनाइज किए जा रहे हैं, और ये होना बहुत जरूरी है। ये सब करने के लिए, कंट्री की ग्रोथ करने के लिए, GDP बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाने के लिए ऑब्वियसली खर्चा तो होना ही है। खर्चा होना है तो कॉस्ट ऑफ सिविलाइजेशन बढ़ेगा,
और जब कॉस्ट ऑफ सिविलाइजेशन बढ़ेगा, इंडिया को डेवलप चाहिए ना, हम सबको डेवलप इंडिया चाहिए. डेवलप ऐसे थोड़ा क्या बनता है, डेवलप तभी बनेगा जब हम पैसे देंगे. और पैसे देना अलग अलग तरीके से देना होता है, उसमें का एक तरीका क्या होता है, टैक्सेशन. तो टैक्सेशन गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंस है कि रेवेन्यू है, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है, हमारे लिए एक्सपेंस है. लेकिन हम हमारी बात नहीं करें, हम यहाँ पे हम जब भी इस टैक्स को पढ़ते हैं, हम गवर्नमेंट के एंगल से पढ़ते हैं, तो दिस इज द रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट. इतना क्लियर है, ठीक है. अब दो टाइप के रेवेन्यू होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस. रेवेन्यूज में और भी बहुत सारी चीजें आती है, उसमें का जो सब्सटैंशियल पार्ट होता है गवर्नमेंट का, वो क्या होता है, टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्सेस मतलब जो हम बात कर रहे थे आज भी लेक्चर में हमने, कि जो डायरेक्टली हम भरते हैं हमारे पॉकेट में से, हम जाके वो डायरेक्ट टैक्सेस होता है. जो हम गुड्स में से, गुड्स की प्राइस में इनडायरेक्टली थोड़ा 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 भर देते हैं, वो इनडायरेक्ट होते हैं, ठीक है. टैक्सेस एज ऑफ नाउ कंपलसरी होते हैं, हर कंट्री में कंपलसरी होते हैं. लेकिन आपको गुड्स लेना है कि नहीं लेना, वो तो ऑप्शनल है ना. आप गुड्स लोगे तो नैनो कार भी ले सकते हो, मर्सिडीज भी ले सकते हो. मर्सिडीज लोगे तो ज्यादा टैक्स लगेगा, नैनो लोगे तो कम टैक्स लगेगा. क्या लेना है वो आपके हाथ में, सब लेना ही नहीं है मुझे, तो टैक्स भी नहीं लगेगा. टैक्स तो तभी लगेगा जब तूने कुछ गुड्स या सर्विसेज ली होगी, तो कंपलसरी भरना है, ठीक है. सर आप दूध भी पी सकते हो और दारू भी पी सकते हो, दारू के ऊपर ज्यादा टैक्स है, दूध के ऊपर फ्री है, टैक्स फ्री किया गया, क्या पीना है फिर दारू टैक्स भरेंगे चलेगा, देश को बनाना है कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना. तो दूध पीने वाले देश नहीं चला रहे, सिगरेट और दारू पीने वाले देश चला रहे, सबसे ज्यादा टैक्स वही लोग भरते हैं. तुमने बोनविटा पी के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किया है कल से शिफ्ट कर दो कल घर मुझे देश के हित में क्या मतलब दारू पीना है पप्पा पैसे दो ना, सिगरेट लेके बैठो, क्या कर रहा है बेटा, एक्साइज भर रहा हूँ जीएसटी भरा 28 तक का, ठीक है. तो ऐसा करना है, ठीक है, मेरा नाम मत बताना खाली. तो टैक्सेशन, तो व्हाट इज द टैक्सेशन इन कंट्री. टैक्सेशन इज अ कंपल्सरी पेमेंट इम्पोज बाय गवर्नमेंट ऑन सिटीजन्स फॉर टू फंड इट्स कॉस्ट ऑफ सिविलाइजेशन. टू फंड इट्स, तो सिविलाइज सोसाइटी चाहिए तो कॉस्ट होगी, और उसकी उसकी फंडिंग कहां से होती है, टैक्सेस में से. गवर्नमेंट जब बजट बनाता है, आपको क्या लगता है, पहले रेवेन्यू साइड ड्रॉ करता होगा कि पहले एक्सपेंस साइड. बजट मतलब दो चीजें, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू. पहले क्या ड्रॉ होता होगा, पहले रेवेन्यू देख के, मतलब कितना पैसा कमा रहे हो और फिर कितना खर्चा करेंगे वो देखते हैं, कि पहले कितना खर्चा करना है वो देखते हैं और फिर कैसे कमाएंगे वो देखते हैं. पहले क्या चीज करते होंगे वो लोग, कितना कमा रहे हो कि पहला कितना खर्चा करना है वो. पहला एक्सपेंस साइड डिजाइन होता है गवर्नमेंट का, कि करंट ईयर के कितने एक्सपेंडिचर्स होंगे, और फिर बैठ के मिनिस्ट्री दिमाग लगाती है फिर इतना पैसा लाएंगे कहां से. और क्योंकि उतना पैसा हमारे पास नहीं होता, ठीक है, तो फिर हम लोन लेते हैं, फॉरेन कंट्री से लोन लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं. बहुत सारे लोग बीच में, इतना सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था ना, मोदी अंकल ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था पाकिस्तान के किसी कैंप पे जहां पे टेररिस्ट थे ना, तब ऐसे न्यूज आ रहा था, पता है, अगर हमने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया तो चाइना हमारे ऊपर अटैक कर लेगा, चाइना इज अ फ्रेंडली नेशन विद पाकिस्तान, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ऐसा कुछ सुना होगा आपने ना. तो आई वॉज वेरी श्योर कि चाइना हमारे ऊपर कभी अटैक नहीं करेगा, फॉरगेट अबाउट चाइना, इवन द पाकिस्तान भी हमारे ऊपर कभी अटैक नहीं करेगा, फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान, कोई भी इस वर्ल्ड का कोई भी कंट्री इंडिया के ऊपर कभी अटैक नहीं करेगा, ठीक है. और अगर किसी कंट्री ने गलती से भी हमारे इंडिया के ऊपर ऐसा मिलिट्री एक्शन लेना या वॉर डिक्लेयर कर दिया किसी कंट्री ने भी, तो ऑलमोस्ट 160 कंट्रीज उस कंट्री के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देंगी. 160 कंट्रीज उस कंट्री से, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, इफ पाकिस्तान टुमारो डिक्लेयर्स वॉर अगेंस्ट इंडिया, ऑलमोस्ट 160 कंट्रीज विल डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान. It's not because India is having friendly relationship with these 160 countries. India has taken loan from these 160 countries. And if somebody declares wars against us, we cannot repay loan, no? Because we have to put money into wars. तो बाकी 160 countries को ये tension देगा कि साला अभी India के ऊपर तूने attack किया, हमारा loan कौन भरेगा? ना, तो लोग अटैक कर देंगे. इसलिए ऐसा होता है नहीं, दिस हाउ इट गोज, ठीक है. हम पहले एक्सपेंडिचर साइड डिजाइन करते हैं, फिर रेवेन्यू, और हमारा रेवेन्यू में हमेशा डेफिसिट आता है. डेफिसिट समझते हो ना, इनसफिशिएंट रेवेन्यूज होते हैं. इस डेफिसिट को फाइनेंस किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, हम लोन लेके उसको फाइनेंस करते हैं. हम जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में, देखो इंडिया में इतना एक्सपेंस है, डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा, आप इन्वेस्ट करो, हम विद इंटरेस्ट रिपेमेंट करते हैं. हम सारे विजय माल्या अंकल नहीं है ना कि पैसे लेके भाग जाएंगे, लेकिन है, कंट्री है, पूरी की पूरी कंट्री कहाँ जाएगी, ठीक है, तो आप आ जाओ इन्वेस्ट करो, ऐसे होता है, ठीक है. तो ये लोग लोन लेते हैं 10 लाख करोड़ का, ऐसा
इनका लोन अमाउंट भी ऐसे रहता है 10 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ ऐसे लोन लेके इंडिया में आते हैं फॉरेन करेंसी में, मैं कन्वर्टेबल की बात कर रहा हूँ, क्लियर है? तो बिल्कुल टैक्सेशन कंट्री में होना चाहिए, लॉजिक तो क्लियर है, टैक्स क्यों होना चाहिए, मतलब आपको लग रहा है ना टैक्स होना चाहिए, है बहुत सारे हैं, ठीक है? दो टाइप के होते हैं, मैंने बताया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होता है, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा इसके बारे में, सीबीडीटी होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स का बॉडी का नाम क्या है, सीबीएसई। सीबीडीटी का फुल फॉर्म है, याद रखो, अभी लिखना नहीं आपको, लिखना तो सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ मतलब सेंट्रल, मैंने बोला मतलब ये महाराष्ट्र का है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, इसी मतलब एक्साइज एंड कस्टम। सर वो क्या बात कर लेते हैं, डायरेक्ट टैक्स की हमारी आज ही बात हुई है, डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर होता है, हम सारे पर्सन तो, लेकिन हम टैक्स नहीं भरे, क्यों? क्योंकि हमारा क्या नहीं है, इनकम। जब आप पर्सन हो और आपका क्या है, इनकम, तो आप डायरेक्ट टैक्स का कौन सा डायरेक्ट टैक्स भरेगा, हम भरेंगे इनकम टैक्स। सर इनकम टैक्स कौन से एक्ट के अंडर भरेंगे, इनकम टैक्स का एक्ट कौन सा है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इतना समझ में आ रहा है, ये तो समझ, ये तो बात कर ही रहे हैं हम लोग, चालू ही हमारा डिस्कशन। इनडायरेक्ट टैक्सेस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड एटलीस्ट व्हाटएवर इज गोइंग ऑन न्यूज चैनल्स ना, आजकल सब जगह पे जीएसटी चल रहा है, तो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस जीएसटी ऑल अबाउट, ठीक है? तो इनडायरेक्ट टैक्सेस दो चीजों के ऊपर होते हैं, जैसे डायरेक्ट टैक्स पर्सन के ऊपर होते हैं, वैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर होती है। अब ये गुड्स क्या होता है, मैं आज तो आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन इतना आप लिख के लिखो, जो मूवेबल और जो मार्केटेबल होता है, मूवेबल एंड मार्केटेबल जो होता है उसे हम गुड्स बोलते हैं। दो फीचर होते हैं गुड्स, किसी भी चीज को गुड्स बोलने के पीछे, वो मूवेबल होना चाहिए और मार्केटेबल। तो ये मार्कर देखो, क्या मूवेबल है, यस मूवेबल है। क्या इसके मार्केट में बायर एंड सेलर है, यस। तो ये मूवेबल है और मार्केटेबल है, मतलब ये इट कैन बी अ गुड्स, इट कैन बी अ गुड्स। लैंड सेल होती है, लैंड, लैंड मार्केटेबल है, इज इट मार्केटेबल, यस, क्योंकि लैंड के भी बायर एंड सेल होते हैं। बट कैन आई कंसिडर लैंड एज अ गुड्स बिकॉज आई कैन सेल एंड बाई इट, नो, वाई, बिकॉज लैंड इज इमोबल प्रॉपर्टी, इसलिए उसको गुड्स नहीं बोला जा सकता, क्लियर है? आपके घर का जो डस्टबिन है, कचरा जो है, वो मुंह होता है, हाँ, इमोबल कचरा तो नहीं बना रहे ना हाँ मूवेबल कचरा ही होता है सर, तो मूवेबल कचरा है बिल्कुल, ठीक है क्या? लेकिन कोई बाय कर रहा है उसे, कोई सेल कर रहा है उसे, तो मुंह तो हो रहा है, लेकिन क्या वो गुड्स है, नहीं नहीं गुड्स तो नहीं है, क्योंकि कोई बायर सेलर नहीं, मतलब मार्केटेबिलिटी मिसिंग है। लेकिन अगर वही मैं इंडस्ट्री हूं, ठीक है, और मैं स्टील का कुछ बना रहा हूं या प्लास्टिक का कुछ बना रहा हूं, और यहां पे से भी मेरा जो ये देखो डिजाइन मारने के लिए थोड़ा प्लास्टिक निकलता होगा यहां से, तो स्क्रैप होता है हमारा, वो मुझे तो फेंकना है, मेरे तो काम का है नहीं, राइट? लेकिन उसको भी क्या सेल कर सकता हूं मैं, हाँ बिल्कुल सेल होता है। तो मेरा जो स्क्रैप है वो सेल होता है, तुम्हारे घर का जो स्क्रैप एंड वेस्ट है वो सेल नहीं होता। तो मेरा जो स्क्रैप है वो मूवेबल है एज वेल एज मार्केटेबल भी है, तो क्या स्क्रैप भी गुड्स बन सकता है, हाँ बन सकता है। ये सारी जो बातें कर रहा हूं मैं, एक्साइज वगैरह की बातें कर रहा हूं, तो आपके लेवल से थोड़ा ऊपर की बातें कर रहा हूं, लेकिन इतना समझो, जो क्या होता है मूवेबल एज वेल एज वो क्या बन सकता है, गुड्स। बाकी सर्विस तो सर्विस होती है, सर्विस तो समझते अपनी दुनिया भर की सर्विस ली है, हम भी अभी जो दे रहे हो क्या है, सर्विस ही है, ठीक है? तो सर्विस तो होती है, सर्विस समझना इतना डिफिकल्ट नहीं होता, गुड्स समझना, जितना आप जो आप समझते हो ना नॉर्मली जिसे गुड्स, वो तो है ही, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें गुड्स बनती है, ठीक है? और ब्यूटी ऐसा था अर्लियर लॉ का, हर लॉ में मेरे गुड्स को अलग अलग डिफाइन किया गया था, हर लॉ में गुड्स का डेफिनेशन अलग था, ठीक है? तो क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते थे, डिलीट हो गया, बहुत बुरा लगता है, बायट करके रखा था हर सेक्शन, ठीक है? अगर आप गुड्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करोगे, मैन्युफैक्चर इन इंडिया, पता आपको कौन सी ड्यूटी लगती थी इसके ऊपर, एक्साइज ड्यूटी लगती थी, ठीक है? एक्साइज ड्यूटी लगती थी। आप अगर इसको मैन्युफैक्चर नहीं किया, मैंने इस मार्कर को इंडिया में इंपोर्ट किया है, अवेलेबल है, मतलब इंपोर्ट किया है इंडिया में, इंपोर्ट भी होता है गुड्स का और क्या होता है, इंपोर्ट मतलब बाहर से इंडिया में लाना, और एक्सपोर्ट मतलब इंडिया से बाहर सेल करना। अगर ऐसे करोगे तो आपको भरना पड़ता है कस्टम्स ड्यूटी, ठीक है? सबके अपने अपने लॉ थे, मैं लॉ शायद नहीं लिखे थे उसमें ना, उस चार्ट में मैंने लॉ नहीं लिखे, एक्ट नहीं लिखे, नहीं वो एक्ट लिखने के लिए अलग से पेज पे मैं लिखाने वाला था, इनडायरेक्ट टैक्स में चलेगा। और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, अब मैंने तो कुछ बनाए हुए इंडिया में,
सॉरी हाँ, मैंने या तो गुड्स इंडिया में ये आदत नहीं है, मैंने या तो गुड्स क्या किए, मैन्युफैक्चर्ड किए या तो इंपोर्ट किए, लेकिन मैं कंज्यूमर नहीं हूं। दो टाइप के कस्टमर आते हैं आपकी दुकान में, एक कस्टमर जो कस्टमर होता है, एक जो कस्टमर जो कंज्यूमर होता है। ऑल कंज्यूमर्स आर कस्टमर्स, बट ऑल कस्टमर्स नीड नॉट टू बी कंज्यूमर्स। डू यू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट? ऑल कंज्यूमर्स आर कस्टमर्स, ऑल कस्टमर्स नीड नॉट टू बी कंज्यूमर। अब मैंने मार्कर परचेज किए बाजू के स्टेशनरी की शॉप से, आई परचेज दिस मार्कर फॉर कंजम्पशन, आई एम यूजिंग इट, ठीक है। अगर मैंने 1000 मार्कर परचेज किए होते, 3 नहीं 1000, तो ऑब्वियसली मैं 1000 मार्कर तो यूज नहीं करने वाला। दैट मीन्स आई विल बी अ ट्रेडर इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस, समझ रहे हो ना? तो मैं बाय कर रहा हूं सेल कर रहा हूं, बाय कर रहा हूं सेल कर रहा हूं। एम आई कस्टमर फॉर दैट शॉप? यस। बट एम आई कंज्यूमर? नो, आई एम नॉट अ कंज्यूमर, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में कंज्यूमर होना बहुत जरूरी है आपका, क्योंकि अल्टीमेट कंज्यूमर जो होता है वो टैक्स का बर्डन लेता है। अल्टीमेट कंज्यूमर जो होता है वो टैक्स का बर्डन लेता है। टैक्स पे तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बर्डन कौन लेगा टैक्स का? कंज्यूमर। सर कंज्यूमर क्यों बर्डन लेगा? क्योंकि तुझे कंज्यूम करना है। सर मुझे टैक्स नहीं भरना है। कंज्यूम करना बंद कर दे, मत परचेस कर गुड्स, जीएसटी नहीं भरनी है ना आपको। मॉल में मत जाओ, मूवी मत देखो, कपड़े मत खरीदो, मतलब मॉल में से, नॉर्मल लोकल शॉप में से खरीदो, सब्जी यहां पे रोड पे खरीदो, दाल चावल जो छोटा बनिया का दुकान होता है उसमें खरीदो, मॉल में खरीदोगे तो जीएसटी भरनी पड़ेगी। नहीं भरनी है, जीएसटी नहीं पे करनी, तो गुड्स कंज्यूम करना बंद कर दो, मोबाइल यूज करना बंद कर दो। नहीं आएगा बिल टेलीफोन का, टेलीफोन का बिल ही नहीं आएगा, मोबाइल का बिल ही नहीं आएगा, तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। सर नहीं मुझे मोबाइल यूज करना है, सर्विस चाहिए, आई वॉन्ट सर्विस फ्रॉम वोडाफोन। इफ यू वॉन्ट सर्विस दिन पे सर्विस टैक्स और गुड्स एंड सर्विस टैक्स। समझ में आ रहा है? तो यहां पे वो बात होती है कि मैंने मैन्युफैक्चर तो किया गुड्स को और इंपोर्ट किया, दो में का एक सिचुएशन, तो गुड्स आ गए मेरे पास। अब मैं कंज्यूमर होगा तो मैं कंज्यूम कर लूंगा गुड्स को, यूज कर लूंगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं कंज्यूमर नहीं हूं, क्योंकि मैं तो बिजनेसमैन हूं ना यार, मैंने गुड्स बनाए किसके लिए बनाए होंगे? सेल करने के लिए बनाए होंगे, कस्टमर्स के लिए, मेरे कस्टमर्स के लिए बनाए होंगे। तो मेरा पर्पज क्या होगा? गुड्स बना के क्या करूं, कंज्यूम करूं कि सेल करूं? सेल करूं। इंपोर्ट करके क्या करूं, कंज्यूम करूं कि सेल करूं? एक्चुअली कुछ लोग तो कंज्यूम भी करते हैं। तो तुमने एक मोबाइल इंपोर्ट किया आईफोन 7 दुबई से, क्या सस्ता मिलता है वहां पे थोड़ा, तो तुम तो कंज्यूमर हो, बात खत्म हो गई तुम्हारी वहीं पे। लेकिन तुमने 1,00,000 मोबाइल मंगाए हुए तो सेल करोगे। इसका मतलब गुड्स या तो मैन्युफैक्चर्ड हो या इंपोर्ट हो, इसके बाद का जो स्टेज होता है सेल। अब सेल का मतलब जो आप समझते हो और जो मुझे समझाना है वो अलग है। सेल मतलब ट्रांसफर ऑफ आरआर, ऐसे लिखा है ब्रैकेट में आरआर, नहीं लिखा है ना, लाइक लोग है। सेल का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ आरआर। ट्रांसफर ऑफ आरआर का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड, ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड। सर ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है? मैंने इसको, इस आंटी को मैंने यहां पे मार्कर दे दिए, क्या मार्कर घर पे लेके जा सकती है? यहां पे रखे मैंने तो, क्या मैंने पोजीशन ट्रांसफर कर दिया? पोजीशन दे दिया ना, सालों मेरे हाथ में थोड़ा ना, क्या पोजीशन मतलब गुड्स मेरे यहां से उसके पोजीशन चला गया ना, लेकिन क्या ओनरशिप दे दी है? इसी ओनर टाइटल ट्रांसफर हुआ है? नहीं। अगर मैंने इनवॉइस बना के इनका नाम लिख के दे दिया इनको, तो इनवॉइस भी दे दिया और मार्कर भी दे, तो टाइटल भी ट्रांसफर हो चुका है, ओनरशिप भी ट्रांसफर हो चुकी है और पोजीशन भी हो चुका है। खाली बिल दे दिया चलेगा, मार्कर नहीं दिए, खाली बिल दिया, मार्कर मेरे पास ही है। नहीं सर खाली ओनरशिप दी, फिर आपने पोजीशन नहीं दिया, ठीक है। इसी चीज को समझाता हूं मैं, ठीक है। पकड़ लो ये, मैं चिकन वेंडर हूं, तुम लोग बाय करने आए हो मेरे यहाँ पे, चिकन है मेरे पास बहुत सारे, चिकन का दुकान देखा है, हाँ बहुत सारे चिकन है। तुम्हें लाइव चिकन चाहिए था, जिंदा चिकन, ठीक है। तो यू परचेस वन लाइव चिकन, ठीक है, तो दिस लाइव चिकन, तो मैंने तुमको उठा के दे दिया, तुमसे 500 रुपया ले लिए जो भी उसकी प्राइस थी, ठीक है, 500 ले लिया, चिकन दे दिया। अब चिकन तुम्हें हैंड ओवर करने के बाद, ठीक है, प्राइस ऊपर चलेगी, 550 हो गया वो चिकन का प्राइस, क्या तुमसे 50 रुपीज ले लूंगा मैं? नहीं। तुम लोग क्या बोलोगे? नहीं नहीं सर, अब ये चिकन मेरा है। प्राइस ऊपर गई वो आपकी रिस्क थी, रिस्क तो क्या हो गई थी? ट्रांसफर। रिवॉर्ड भी ट्रांसफर हो चुका था। प्राइस फॉल हो गई, 500 से 400 हो गई, क्या तुम मुझसे एक्स्ट्रा 100 रुपीज मांग सकते हो? नहीं। ट्रांसफर किया तभी 500 था, ट्रांसफर होने के बाद प्राइस चेंज हुई, अब से मैं ना तो आपसे पैसे लूंगा ना आपको पैसे दूंगा, क्योंकि ट्रांसफर क्या हो चुका था? रिस्क एंड रिवॉर्ड, ठीक है। वो चिकन लेके आप जा ही रहे थे, चिकन मर गया मर सकता ना चिकन है, आप रिटर्न लेके आ सकते हो दुकान में, देखो आपने जो चिकन देता वो मर गया, नहीं, क्यों? पोजीशन ट्रांसफर हो गया, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गई थी, पैसे लिए थे, बात खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था,
समझ रहा है? तो रिस्क आपकी थी, आपका चिकन था वो, अभी मरा तो चिकन आपका मरा, दुकान वाले का नहीं मरा, ठीक है। फिर आप चिकन लेके जा ही रहे हो, जा ही रहे हो, जा ही रहे हो, चिकन ने एक अंडा दे दिया। क्या आप इतनी ईमानदार हो दुकान पे लेके जाओगे, वो लोग देखो आपके चिकन ने अंडा दे दिया, अंडा आपका चिकन तो मेरा है, ऐसा है क्या कि एक आप रख लोगे, आप ही रख लोगे? क्योंकि क्या, रिस्क आपका था, रिवॉर्ड भी आपका है। दुकानदार के हिसाब से वो चिकन अभी आपका है, और आपके हिसाब से भी वो चिकन आपका है। अब उसके साथ कुछ भी हो, वो आपकी रिस्क है, आपका रिवॉर्ड है। इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको सेल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ग्रॉसली बता रहा हूँ, वो डिटेल में नहीं बता रहा मैं आपको, ग्रॉसली भी इतना बोलता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, तो ये ग्रॉस हो गया, इतना तो समझ में। सेल करके कुछ तो होता है दुनिया में, सेल तुमने तो सुना ही होगा ना, सर 40% ऑफ नाला है वो सेल नहीं। सेल मतलब यहाँ पे ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, बायर टू सेलर, नहीं सॉरी, सेलर टू बायर, ओनरशिप एंड पोजिशन ट्रांसफर होता है फॉर कंसिडरेशन। फोकट में नहीं दे रहा, मैं पैसे ले रहा हूं, तो सेलर से लीगल ओनरशिप और पोजिशन ट्रांसफर होता है गुड्स का फॉर कंसिडरेशन। इतना समझ रहा है, लीगल वर्ड तो समझ में आते हैं तुम नालायक लोगों को। सेल, अब दो टाइप के सेल होते हैं। शादी करने की सोची है, सोची है, सोचा होगा ना शादी, इतने बड़े हो गए ऐसे बिना शादी का सोच नहीं रहे हो क्या सालों? कभी तो सोचा होगा शादी का। अच्छा, इंटरकास्ट करोगे कि इंट्राकास्ट करोगे? अच्छा, कितने लोग इंट्राकास्ट करेंगे? अच्छा, कितने लोग इंटरकास्ट करेंगे? बाकी लोग? अच्छा, डिसाइड नहीं किया, जो भी मिले सर। अपना अपना रूल एकदम सिंपल है, जो आवे आने तो सर, ठीक है। हमने काम कहा जा रहेगा, ठीक है। लेकिन अच्छा, अरेंज मैरिज जब करोगे तो इंट्राकास्ट करोगे कि इंटरकास्ट करोगे? लव मैरिज वालों को तो कोई चॉइस नहीं है, फिर वो इंटर रिलीजन भी चला जाता है, आजकल तो इंटर कॉन्टिनेंटल भी जा रहा है। एशिया की लड़की है, अफ्रीका का लड़का है, क्या क्या होता है आजकल, नहीं इंटरनेट की वजह से। हाँ, तो बताओ, अगर अरेंज मैरिज करोगे तो इंट्राकास्ट करोगे कि इंटरकास्ट करोगे? पक्का इंटर। अच्छा, आपने ऐसा तो सुना होगा, उस लड़की को ना घर वालों ने बहुत मारा है, वो इंटरकास्ट का उसका लपड़ा था। इंटरकास्ट वर्ड सुना है कि नहीं सुना आपने? इंटर का मुझे मतलब बताओ, इंटर मतलब विद इन और आउटसाइड? आउटसाइड द कास्ट और विद इन द कास्ट। हाँ, जबकि इंग्लिश ऐसा लगता है ना कि इंटर मतलब विद इन रहेगा ना यार, इंटर ना, ऐसा नहीं है। इंटर मतलब आउटसाइड और इंट्रा मतलब विद इन। अब सेल दो टाइप के होते हैं। अगर महाराष्ट्र से सेल महाराष्ट्र में ही हुआ है, मुंबई से पुणे गया, पुणे से नासिक आया हुआ है, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में हुआ, तो उस सेल को हम बोलते हैं इंट्रास्टेट। क्या बोलते हैं? इंट्रास्टेट। और अगर मैं महाराष्ट्र से हूं, पाटिल टू पटेल अगर गया है गुड्स महाराष्ट्र से गुजरात ना, तो उसको क्या बोलेंगे? इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट मतलब महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र, और इंटर मतलब महाराष्ट्र टू गुजरात। इतनी बात क्लियर है? पहले की बात बता रहा हूं, ये सब अभी होता नहीं है ऐसा, अभी कुछ और आया, नया ही हो रहा है, लेकिन ये तो समझो कि पहले क्या हो रहा था 1 जुलाई के, ठीक है। इंट्रा स्टेट में क्या होता था, पहले महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स लगता था, MVAT। तो स्टेट, हर स्टेट का अपना एक लॉ होता था, हमारे महाराष्ट्र में क्या था? महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स। वैसे गुजरात वालों का क्या हुआ करता था? गुजरात वैल्यू एडेड टैक्स, MP वैल्यू एडेड टैक्स, हर स्टेट का अपना वैल्यू एडेड टैक्स हुआ करता था। सर, हर स्टेट का लॉ क्यों होता था? वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र भी एक स्टेट है, वो भी एक गवर्नमेंट है, उसको भी अपने लॉ बनाने के राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए थे, वो बात हमारी नेक्स्ट चालू होगी, ठीक है। लेकिन अगर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का बायर है, महाराष्ट्र का सेलर है, गुड्स का ट्रांजिट महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में हुआ है, ऑब्वियसली कौन सी गवर्नमेंट टैक्स ले रही है यहाँ पे? महाराष्ट्र गवर्नमेंट। लेकिन अगर गुड्स महाराष्ट्र से गुजरात अगर जाएगा तो कौन सी गवर्नमेंट टैक्स लेगी बेटा? महाराष्ट्र लेगी कि गुजरात लेगी? तो कंफ्यूजन था। तो महाराष्ट्र वाला बोलते थे हमारे यहां पे सेलर है और ये सेल्स टैक्स है, हम लेंगे, ठीक है। गुजरात वाले बोलते हमारा बायर है, बायर हमारे यहां पे, हम टैक्स लेंगे। गुजरात वाले बोल रहे हैं, महाराष्ट्र वाले बोल गुड्स हमने दिया है, गुजरात वाले बोलते पैसे हमने दिए है, बोलता गुड्स का सोर्स हमारे से चालू हुआ है, बोलता डेस्टिनेशन हमारे यहाँ पे। लपड़ा बहुत बड़ा था, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में आया, बोला ईश महाराष्ट्र गप, गुजरात तुम भी चुप करो, नहीं क्या बोलते हैं
चुप करो, चुप बैसो, चुप बैसो तू गप बस, हाँ चुप बैसो गप बस, टैक्स नहीं लगाऊंगा, तू भी बाजू, तू भी बाजू, एम वैट भी बाजू, जी वैट भी बाजू, मैं लगाऊंगा सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, स्टेट्स का झगड़ा बंद, ठीक है, ऐसा बोला था उन्होंने लेकिन होता कुछ और ही था, ठीक है, तो क्या लगाना था उनको, सीएसटी, सीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल सेल्स टैक्स, कुछ लोग बोलते छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, हाँ सेंट्रल सेल्स, मुंबई के लोगों का प्रॉब्लम है, बाकी बाहर के लोगों को ऐसा कुछ पता नहीं है, ठीक है, हाँ हाँ, तो सीएसटी ना, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ऐसा होता था। सर्विस टैक्स में बड़ा ही ब्यूटीफुल लॉ था हमारा, और उसका नाम सर्विस टैक्स था ही नहीं, उसका नाम था फाइनेंस एक्ट। आज ही बात हुई हमारी फाइनेंस एक्ट का होता है, 1994 में आया था, 1994 के बजट में आया था, तो उसका पप्पा क्या था, 1994, इसका एक्ट ही नहीं था, बिना एक्ट का 20 साल उन्होंने टैक्स लिया है, कितने भयानक है देखो, इस सबके तो एक्ट है, सर्विस टैक्स तो ऐसा था 1 जुलाई के पहले उसका कोई एक्ट ही नहीं था, हम उतना टैक्स भरते आए उतने सालों से 1994 से बिना एक्ट के, ठीक है, खाली बजट में प्रोविजन लिखी थी कि सर्विस टैक्स जैसा कुछ तो इंडिया में होना चाहिए, बड़ा चुना लगाया गवर्नमेंट ने अपने को, कुछ नहीं टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, अभी तो चला गया, अभी तो लॉ है, भरना पड़ेगा, क्या भरते थे यहाँ पे हम, सर्विस टैक्स, तो सर्विस के ऊपर क्या लगता था, सर्विस टैक्स, सर महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में सर्विस दिया तो सर्विस टैक्स, महाराष्ट्र से गुजरात में दिया तो भी सर्विस टैक्स, सर महाराष्ट्र से आउटसाइड इंडिया दिया या आउटसाइड इंडिया से मुंबई में आया तो तभी भी सर्विस टैक्स, इधर कैसे, आउटसाइड इंडिया मतलब कस्टम, विद इन महाराष्ट्र मतलब वैट, आउटसाइड महाराष्ट्र मतलब सीएसटी, तो हर एक का अपना एक मतलब, गुड्स में ना सेग्रीगेशन था, सर्विस टैक्स में ऐसा कोई सेग्रीगेशन था नहीं, तो लॉ हमारा इंडायरेक्ट टैक्स ना दिन ब दिन ना इट वॉज गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड, मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड, और अभी आपको ये प्रॉब्लम नहीं समझा पा रहा हूं मैं कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम हुआ करती थी, ठीक है, 28 स्टेट गवर्नमेंट, सबका अपना लॉ, अगर कोई बंदा जैसे बिग बाजार है पकड़ लो, हर स्टेट में अगर उसको दुकान खोलनी है, हर स्टेट का साला वैट रेट अलग, हर स्टेट के रेगुलेशन अलग, क्योंकि लॉ अलग है ना वहां का, केरला में जाओगे तो लॉ जिलीबी 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 लिखा है, जिलीबी नहीं दिखा, जिलीबी खाया कभी, वहां पे सबको जिलीबी दिखता है, हाँ कभी गए हो साथ में, मुंबई में कैसे होता है, इंग्लिश में भी लिखते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं, मराठी में भी लिखते हैं, उधर खाली जिलीबी लिखते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम होती है पढ़ने में लिखने में, समझ में नहीं आता, बस कहाँ से आ रही, कहाँ जा रही है, बस जिलीबी से आ रही है, बस जिलीबी जा रही है, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आता, और लैंग्वेज को उतना वो लोग इतना प्यार करते हैं ना कि वो लोग आपकी लैंग्वेज बोलते भी नहीं, सुनते भी नहीं, आपको दो ही लैंग्वेज में बोलना होता है, या तो उनकी जो लोकल लैंग्वेज है तो तमिल है तो तमिल, मलयालम है तो मलयालम, ठीक है, या तो उनकी इंग्लिश, अपनी इंग्लिश नहीं, उनकी अपनी इंग्लिश भी है, उन्होंने डिज़ाइन की है हाँ उनका अपना डेवलप किया हुआ लैंग्वेज है, उनका अपना फॉन्ट होता है, उनका अपना प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है, तो हमारा जो एच है ना वो उनका हच होता है तो मैं ए बी सी डी वगैरह बोलते रहता हूँ तो मुझे डर लगता है, बीच में मैं एच बोलता हूँ तो एच क्या होता है, हच बोलो सर तो हच बोलना चालू किया मैंने अभी थोड़ा, ठीक है, तो मोर ऑर लेस आई एम ट्राइंग टू बिकम साउथ इंडियन एज ऑफ नाउ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा, यहाँ से ज़्यादा तो वहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा प्रॉब्लम होता है, हर स्टेट में अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशन था, तो कितना प्रॉब्लम आता रहेगा बिजनेसमैन को, सोचो तुम तो एक ही स्टेट में रहते हो, लेकिन उसके एंगल से सोचो जो हर स्टेट में काम कर रहा है, हर स्टेट का रूल्स एंड रेगुलेशन अलग यार, ठीक है, फॉर्म भरने की तारीख अलग, फिनेंशियल रूल्स अलग, ठीक है, टैक्स के रूल्स अलग है, ठीक है, तो इतना प्रॉब्लम होता था, उन्होंने बोला क्यों ना यार देश तो एक ही है, क्यों ना सबको सब सम कर दे, मर्ज कर दे और एक नया लॉ लाए ना, तो उन्होंने जीएसटी प्रपोज किया, ठीक है, जीएसटी वैसे बहुत पहले प्रपोज हुआ है, ठीक है, 2004 से आ रहा है, आने वाला है ऐसे चल रहा था, 2012 से ज़रा डिस्कशन ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, ठीक है, 2014 में तो ऐसा लगा था कि आ ही जाएगा, लेकिन फिर आया, एक्चुअली आपने देखा खुद ही भी 2017 में आए, ठीक है, तो जीएसटी की तो जो बातें करेंगे करेंगे, कुछ लोगों को लगता है कि सारे लॉ जीएसटी में मर्ज हो गए, सारे लॉ, कुछ लोगों को ऐसे भी लगता है कि सारे एक्ट क्या हो गए अभी जीएसटी में चले गए, सारे टैक्स लॉ चले गए, इनकम टैक्स पहले भी भार था आज भी भार है, क्योंकि वो डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स को जीएसटी ने टच ही नहीं किया, जीएसटी तो इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये तो डायरेक्ट की जो है वो तो है ही, वो तो उनका तो कुछ नहीं होने वाला कंट्री में, तो आज भी है इनकम टैक्स, हमें इनकम टैक्स ही पढ़ना है, इनडायरेक्ट टैक्स में कि भी सारे चले गए एक्सेप्ट कस्टम, तो हम सारे भी जब बोलते तो हमें पता है एक्सेप्ट क्या है, कस्टम नहीं जा सकता जीएसटी में,
कस्टम दो कंट्री के बीच का ट्रांजैक्शन है, जीएसटी इंडिया का लॉ है, तो पूरे वर्ल्ड के ऊपर जीएसटी नहीं लगा सकते, ठीक है? पावर देते तो लगा देते, लेकिन अपनी लिमिट में रहो, ठीक है? तो लिमिट में जो इनके लॉ थे वो उन्होंने चेंज कर दिए। कस्टम बहुत ही यूनिक लॉ है, इट कैन नॉट बी मर्ज विद दिस लॉज, ठीक है? क्योंकि कस्टम है ही यूनिक यार, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो रूल्स होते हैं वो यूरोपियन यूनियन से हमारे मर्ज मैच होने चाहिए, उनके और हमारे, तो बाकी कंट्रीज के साथ मैच होते हैं। मैच होते हैं मतलब हमारा इंडिया वालों के पास एक ही टैलेंट है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। वो लोग लॉ बनाते हैं, हम उसको कॉपी पेस्ट करते हैं। तो हम कस्टम नहीं, हमने कस्टम डिजाइन नहीं किया है, हमने कस्टम कॉपी किया है, लेकिन बनाया हमने है, एडिट हमने किया है, प्रिंट हमने मारा है, तो हमारा है। लेकिन जो प्रोविजंस हैं वो हमारे नहीं हो सकते, वो तो फॉरेन के हैं, उन्होंने पहले इन्वेंट किए हुए प्रोविजन, हम तो उसको थोड़ा अपने काम का जो रहता है वो कॉपी, अच्छा ये प्रोविजन काम का ले ले, ये नहीं है छोड़, ये ले ले, ठीक है? ऐसे हम करते हैं, ठीक है? कॉपी करने में भाई स्किल लगता है। हमारे बच्चों को बचपन से ट्रेन करते बेटा, आगे वाले का पेपर सेम टू सेम कॉपी करेगा, या तो वो फेल होगा तो तू, क्योंकि दोनों में से एक ने कॉपी किया है, तो तू उसका जो पॉइंट नंबर 7 है वो तू तेरा पॉइंट नंबर 3 बना, किया कि नहीं? उसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो तू क्वेश्चन नंबर 1 बना। चीटिंग क्या होगा लाइफ में तो समझ में आएगा, सब जुगाड़ होते हैं, ठीक है? एग्जैक्ट हम वर्ड टू वर्ड नहीं लिखते कभी, हम थोड़ा कंटेंट देख लेते हैं, अच्छा ऐसा कुछ लिखना है तो हमारी लैंग्वेज में लिखते हैं, फिर ग्रामर चेंज कर देते हैं ना, टैलेंट लगता है हमारे इंडिया के लोगों में, वो टैलेंट कूट कूट के भरा है, ठीक है? तो कॉपी पेस्ट करते हैं। तो जीएसटी में गया क्या क्या वो समझो, पूरा का पूरा एक्साइज, एक्साइज में 7-8 टाइप के अलग अलग ड्यूटी थे, तो अभी इसके ऊपर क्या लगना चालू हो जाएगा, जीएसटी। इसमें के ना दो ही ड्यूटीज है, कस्टम ड्यूटीज में बहुत सारे वैरायटीज आते हैं 8-9 टाइप के, ठीक है? उसमें के दो ड्यूटीज थे, एक सीवीडी क्या है आपको अभी नहीं समझाऊंगा मैं, उनको भी नहीं समझाया मैंने, ठीक है? सीवीडी 3-1 होता है और एक सीवीडी 3-5 होता है, ठीक है? ये दो जो है ना वो चले गए जीएसटी में, मतलब पूरा कस्टम चला गया है क्या? नहीं, कस्टम पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। कस्टम में ना ये जो सीवीडी 3-1 की बात कर रहा हूं ना, वो रिप्रेजेंटेटिव एक्साइज का था, एक्साइज जीएसटी में चला गया तो उसको भी जाना पड़ा। ये जो सीवीडी 3-5 वो इसका रिप्रेजेंटेटिव था, है नहीं था मतलब, क्योंकि ये जीएसटी में चला गया तो इसको भी जाना पड़ा, ठीक है? महाराष्ट्र का जो वैल्यूएटेड टैक्स था या गुजरात का वैल्यूएटेड, जो भी स्टेट का जो था, उनको डिलीट करना पड़ेगा और उनको किस में जाना पड़ेगा, जीएसटी में जाना पड़ेगा। और जो सीएसटी था वो क्या बन जाएगा, एक ही अल्फाबेट चेंज किया सर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस नहीं, तो जीएसटी बन रहा है, ठीक है? तो इन सही सारा जीएसटी में चला गया। सर्विस टैक्स पूरा का पूरा डिलीट हो गया और पूरा का पूरा सर्विस टैक्स कहां पे आ चुका है, तो आप मेरे बोर्ड पे जो लॉ लिखे गए ना वो तो जीएसटी में आएंगे। इसके अलावा और मतलब टोटल 17 लॉ थे, 17, ठीक है, जो जीएसटी में मर्ज हुए, लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से यही है। एंट्री टैक्स भी होता था, एंट्री टैक्स मतलब अगर मैं ट्रक लेके निकला मुंबई की बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ, आपको पता है दहिसर चेक नाका के यहाँ पे ना ऑक्ट्रॉय नाका भी था, आपने देखा होगा, तो वहाँ पे ट्रैफिक लगती थी, ट्रक की लाइन लगी पड़ती थी, ठीक है? वो ऑक्ट्रॉय होता था या LBT बोलते, लोकल बॉडी टैक्स बोलते, जो म्यूनसिपैलिटी का टैक्स होता है। मेरी म्यूनसिपैलिटी में अगर बाहर का कोई ट्रक एंट्री करता है तो मेरी म्यूनसिपैलिटी उसके ऊपर टैक्स लगाती थी। तो एक नहीं और भी बहुत सारे टाइप के टैक्स होते हैं, इंटरटेनमेंट टैक्स हुआ करता था, बहुत सारे टैक्स होते हैं छोटे छोटे छोटे, जो हमारे सिलेबस में नहीं होते। क्योंकि सिलेबस में क्यों नहीं होते, क्योंकि या तो स्टेट लेवल पे होते हैं या तो लोकल बॉडी के लेवल पे होते हैं, हमारा सिलेबस सेंट्रल लेवल पे फॉर्म होता है, तो जो स्टेट के लॉ है हमारे सिलेबस में नहीं थे। हमारे सिलेबस में जो लॉ थे वो यहाँ पे मेरे बोर्ड पे है, उसमें क्या आप देख सकते हो कौन से लॉ डिलीट हो चुके हैं। एक्साइज डिलीट हो चुका 1944 से था हमारे पास, जो एक्ट हम पढ़ते थे उसके पहले भी था, लेकिन हम जो पढ़ते 1944 से था। कस्टम 1962 का है, कस्टम्स एक्ट 1962 है कि गया है, लेकिन उसमें जो दो ड्यूटीज थी, दो टाइप के टैक्स थे उस एक्ट के अंदर, 8-9 टाइप के टैक्स जो है उसमें के दो टाइप के जो टैक्स थे उनका नाम चेंज हो गया। क्या हो जाएगा, जीएसटी टैक्स तो आज भी लगेगा लेकिन खाली नाम, एक्साइज गया मतलब एक्साइज नहीं है, ऐसा नहीं, एक्साइज की जगह पे या एक्साइज जैसा क्या लगेगा, अब नाम क्या हो गया उसका, जीएसटी। पहले जहां पे वैट लगता था वैट नहीं लगेगा, जीएसटी लगेगा। सीएसटी जहां लगता था जीएसटी लगेगा, और जहां पे सर्विस तक जहां हम बोलते थे वहां पे भी जीएसटी लगेगा। अब जीएसटी कैसे लगेगा, वहां पे लिखा है कि उन्होंने छोटा सा ऐसा चार्ट बनाया हुआ है क्या, CGST, IGST, SGST, ऐसा जीएसटी का चार्ट बना के दिया था उनको। जीएसटी के 2-3 टाइप आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है? एकदम इतना ग्रॉसली बता रहा हूं ना कि मैं प्रोफेशनल के बच्चों को एक्चुअली इतना ग्रॉसली नहीं बताना चाहिए, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स को अगर समझाना होता ना जीएसटी क्या है तो उनको इस टाइप का समझाता मैं। हमें इन एंड आउट पता होना चाहिए, लेकिन अभी इन एंड आउट पहले दिन नहीं पढ़ा सकता ना मैं, पहला दिन है आज, फर्स्ट डे, ठीक है? फिर भी आपको थोड़ा तो नॉलेज होना चाहिए जीएसटी का।
तो इसके नीचे अभी जीएसटी कैसे लिखेंगे पता है? दो टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंट्रा स्टेट और एक होता है इंटरस्टेट। इंटरस्टेट और इंटरस्टेट का तो वर्डिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं है, इंट्रा मतलब महाराष्ट्र और इंटर मतलब महाराष्ट्र गुजरात। अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ तो आप दो टाइप की जीएसटी भरोगे, सीजीएसटी और एचजीएसटी, सीजीएसटी और एचजीएसटी। क्योंकि आपने विद इन महाराष्ट्र किया तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी टैक्स देना चाहिए, और क्योंकि महाराष्ट्र इंडिया में भी आता है तो उनको भी टैक्स देना चाहिए, समझ रहा है? तो अगर मुंबई के मुंबई में मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, जोगेश्वरी के जोगेश्वरी में, आई हैव टू पे टू जीएसटी, सी जीएसटी ए जीएसटी। अब जीएसटी का रेट फॉर एग्जाम्पल 18% है आपके सर्विस या गुड्स के ऊपर, तो 18 नहीं भरना है, 9 भरना है। रेट अगर 18% होगा तो ये कितना भरना है, 9%, और ये कितना भरना है? कोई भी ऐसे रेस्टोरेंट में खाना जाओगे आपको अभी ऐसे बाइफरकेशन दिखेगा, ठीक है? आपको सी जीएसटी लगेगा 9% और ए जीएसटी लगेगा 9%, क्लियर है? जो टैक्स का रेट लॉ में है उसका आधा आधा लगा रहे हो लोग, ठीक है? लेकिन कौन से ट्रांजेक्शन के ऊपर? इंट्रास्टेट। अगर इंट्रास्टेट किया तो लगता है आईजीएसटी, आईजीएसटी 18% का हमारा है, नया है आईजीएसटी। हम जीएसटी जो है ना वो ग्लोबल वर्ड है, अब बहुत सारी कंट्रीज में जीएसटी है, फॉरेन कंट्रीज में, ठीक है? फॉरेन कंट्री में दो ही टाइप की जीएसटी है, या तो सीजीएसटी है या तो एसजीएसटी है। बहुत कम कंट्रीज है जहां पे दोनों है, मतलब कुछ कंट्रीज में खाली सीजीएसटी है, एक ही लॉ एक ही रेट, इतना इजी। कुछ कंट्री में सीजीएसटी नहीं खाली एचजीएसटी है, कुछ कंट्रीज में दोनों है। हम इंडिया वाले, हमें और एक चाहिए एडिशनल नवा, हमने सीजीएसटी भी लिया एचजीएसटी भी, तो बोरो किया वहां से, हमने हमारा इन्वेंट किया आईजीएसटी। महाराष्ट्र से गुजरात में अगर जाएगा तो डायरेक्ट रेट लगेगा, उसका नाम होगा आईजीएसटी, समझ में आया? जो ऐसे आईजीएसटी सीजीएसटी है वैसे एचजीएसटी का एक रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे पास है, इसका एक ऑल्टरनेटिव भी हमारे पास है। हमारी इंडिया में कुछ ऐसे टेरिटरीज है जो स्टेट डिक्लेयर करने के लायक नहीं, मतलब उतने बड़े नहीं हो, उनको यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं, पता है आपको? तो दिल्ली इज नॉट एक्चुअली स्टेट, दिल्ली इज एक्चुअली यूनियन टेरिटरी। बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि दिल्ली स्टेट है कि नहीं है, बहुत से बोलते हैं हाँ स्टेट है, स्टेट नहीं है, दिल्ली इज यूनियन टेरिटरी। दादरा नगर हवेली, पौंडीचेरी ना, ये सारे वर्ड आपने सुने होंगे ना, ये सारी क्या है? यूनियन टेरिटरी। सर यूनियन टेरिटरी मतलब जोग्राफिकली इतने छोटे हैं पॉपुलेशन वाइज वगैरह कि इनको स्टेट डिक्लेयर करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल चलता है, तो इनका अपना चीफ मिनिस्टर वगैरह नहीं होता, इनकी असेंबली नहीं होती, जैसे हमारा महाराष्ट्र का असेंबली है, चीफ मिनिस्टर है, ऐसा गवर्नमेंट नहीं होता इनका। इनका गवर्नमेंट मतलब प्रेसिडेंट जो बोलेगा, उनकी एक बॉडी वगैरह होती है, वही चलाते हैं। तो सीजीएसटी और एजी तो स्टेट के लिए बना, और दो छोटे यूनियन टेरिटरी, टोटल 7 यूनियन टेरिटरीज है हमारी कंट्री में, उसमें के दो बड़े हैं दिल्ली और पौंडीचेरी, ठीक है? अब पौंडीचेरी का उन्होंने जीएसटी में पुंडीचेरी करके नाम लिखा हुआ, लेकिन पौंडीचेरी तुमको पता है ना क्या है, स्पेलिंग उन्होंने अलग लिखा, पता नहीं क्यों, शायद उसका नाम रीनेम कर रहे या ऐसा कुछ वगैरह, पता नहीं, पुंडीचेरी लिखा उन्होंने, पुंडीचेरी पौंडीचेरी जो हमने सुना हुआ है वही है, ठीक है? इनके दोनों की अपनी असेंबली है, तो उन्होंने अपना लॉ बना दिया एसजीएसटी, जैसे महाराष्ट्र का है जैसे गुजरात का है, दोनों के क्योंकि असेंबली है गवर्नमेंट है उन्होंने बना लिया। लेकिन 5 लोगों का तो लॉ नहीं बनेगा जो बहुत छोटे हैं, तो उसके लिए सेंट्रल ने लॉ बना दिया यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी मतलब क्या? यूनियन टेरिटरी। तो अगर आपने पकड़ लो पौंडीचेरी से पौंडीचेरी में ट्रांजेक्शन किया ना, तो यूटीजीएसटी भरोगे, या दादरा नगर हवेली से आपने ट्रांजेक्शन किया तो वहां का यूटीजीएसटी, एस स्टेट नहीं बोल सकते ना, यूटी बोलना है, तो आधा भरोगे सीएसटी और आधा भरोगे यूटीजीएसटी। स्टेट है तो स्टेट वाला भरोगे, यूनियन टेरिटरी तो यूनियन टेरिटरी वाला। सर एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी में, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे स्टेट में अगर ट्रांजेक्शन किया तो इंटर वाला हो गया, इंटर वाली बात जब भी आती है तो आईजीएसटी भरना है। अब प्रॉब्लम क्या है, पहले सर्विस टैक्स जहां पे लगता था वहां पे क्या लगने वाला है, मतलब पहले महाराष्ट्र से गुजरात में जहां सर्विस देता था तो मुझे क्या लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, लेकिन अभी मुझे सोचना पड़ता है, मैं सर्विस प्रोवाइडर भी मुंबई का हूं और मेरा रिसीवर भी मुंबई का है, तो मैं 2 लगाऊंगा, सीजीएसटी और एचजीएसटी। और मैं अगर मुंबई से गुजरात में लेक्चर लेने जाता हूं, वहां पे सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, यहां से गुड्स वहां सप्लाई कर रहा हूं, तो आईजीएसटी, क्लियर है? तो अभी सर्विस में भी ये आ गया, इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट। पहले आप देखते हो
कि खाली गुड्स में था, ये गुड्स के भी सेल में था, इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट, यहाँ तक क्लियर है? प्लीज ये चार्ट कॉपी कर लो, कॉपी हो ही गया होगा आपका, इसको तो कॉपी नहीं करना है, ठीक है? दो मिनट एक बोर्ड क्लीन कर रहा हूँ।